हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमास किचन। आज मैं आपके साथ मूंग दाल और लाल मसूर दाल की सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कफ कोल्ड फीवर या कोई भी इन्फेक्शन हो तब भी आप ये सूप ले सकते हो। अगर आप वेट लॉस करने पर हैं तब भी आप ये सूप ले सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सूप बनाने के लिए मैंने आधा कप हरी छिलके वाली मूंग दाल और 2 टेबलस्पून लाल मसूर दाल ली है। आप चाहो तो कोई और दाल भी ले सकते हो। इस दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए 1 कुकर में दाल और वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे लौकी, ड्रमस्टिक, हरा मटर, ब्रोकली, कोई भी। मैंने यहाँ पर पालक के कुछ पत्तों को काट के रख लिया है। 1 छोटा टमाटर का टुकड़ा, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1.5 कप जितना पानी डालेंगे और पहले फास्ट फ्लेम पर 2 सीटी और स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। बॉईल होने के बाद कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड होने के बाद हमारे सूप की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो इस स्टेज पर इसे छान भी सकते हो। अब हम हमारे सूप में तड़का लगाएंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच जितना घी डालेंगे और जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग और मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन। मैंने यहाँ पर 3 कली लहसुन को क्रश कर लिया है। हल्का सा सौते कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे हमारे वेजिटेबल और दाल को जो हमने बॉईल करके रखा था उसका मिक्सचर और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर आप चाहो तो इसमें और दाल का यूज़ भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप ये 2 दाल को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप किसी पेशेंट को ये सूप दे रहे हो और आप इसकी कंसिस्टेंसी को पतला करना चाहते हो तो आप इस स्टेज पर इसमें पानी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें और कोई भी मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब डालेंगे थोड़ा कटा हुआ धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगर इसकी हेल्थ बेनिफिट की बात की जाए तो इसके अंदर प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर आयरन भी काफ़ी सारा होता है जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करेगा। इसके अंदर जिंक भी होता है जो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करेगा। और इसके अंदर काफ़ी सारा फाइबर भी होता है जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। वेट लॉस जर्नी में भी आप ये सूप ले सकते हो। और जीरे और हींग की छौंक की वजह से अगर आपकी बॉडी में कहीं पे वात, कफ और पित्त होगा तो उसको भी ये दूर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमें इसी टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए। जो मेज़रमेंट मैंने लिया है उसमें से 2 बड़े बाउल सूप रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। ये सूप जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी है। आई एम श्योर आपको ये सूप की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो आप इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।